Hello everyone, I'm Deeksha Jain and I secured the 22nd rank in 2018 Civil Services examination. This video mein I'll be talking about the importance of current affairs and how to prepare for them. Sabse pehle current affairs kyun important hai? Increasingly, prelims or mains mein direct questions from current affairs have been increasing. तो अगर कोई नई स्कीम है तो उस पर जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट स्कीम आई थी उस पर हमें मेंस में क्वेश्चन आ गया था या फिर प्रीलिम्स में इतने ज़्यादा करंट अफेयर्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस आते हैं चाहे वो कोई न्यूली रिलीज रिपोर्ट हो कोई स्पेस रिलेटेड प्रोग्राम हो तो बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स ओरिएंटेड आते हैं तो इसलिए करंट अफेयर्स भी एक सब्जेक्ट की तरह हो गया जिसके लिए आपको प्रॉपरली प्रिपेयर करना होता है एक और बहुत इंपॉर्टेंस है करंट अफेयर्स का कि जहाँ भी करंट अफेयर्स रेलिवेंट आपको शायद नहीं भी लगे जिन सब्जेक्ट्स में हिस्ट्री ज्योग्राफी तो खैर मतलब यहाँ पे कम रहता है रेलिवेंस बट पॉलिटी गवर्नेंस इकोनॉमी डिजास्टर मैनेजमेंट एवरीवेयर आप करंट अफेयर्स से कहीं ना कहीं कोई छोटा एग्जांपल यूज़ कर लेंगे कोई डेटा यूज़ कर लेंगे तो वो आपके मार्क्स और आपके कंटेंट को बहुत एनहांस करेगा ओके तो अब नाउ वील टॉक अबाउट कि करंट अफेयर्स की सोर्सेज क्या हैं मैंने जो करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन की थी उसमें जो मेरा सेंट्रल सोर्स था दैट वाज द न्यूज़पेपर द हिंदू मैं आई यूज टू रीड इट रिलीजियसली मैं उसमें से नोट्स भी बनाती थी उन नोट्स को रिवाइज भी करती थी तो अगर एक बार को मेरी कोई मैगजीन मिस भी हो जाए तो दैट वाज ओके बट मैं हिंदू को कंसिस्टेंटली फॉलो कर रही थी उसके अलावा आई यूज टू ऑल्सो फॉलो वन मंथली कंपाइलेशन कोई भी जो आपको अच्छा लगे आप एक बार गो थ्रू डिफरेंट कंपाइलेशन एंड सी जो आपको स्ट्रक्चर सूट करे आप उसको फॉलो कर सकते हैं उसमें आपको एक मंथ का रिविजन भी हो जाता है और वो लोग थोड़ा डिटेल में और उसके आगे और पीछे क्या हुआ था सब कुछ मिला जुला के बोलते हैं तो थोड़ा इट गिव्स यू मोर डेप्थ इन करंट अफेयर्स उसके अलावा यू कैन आल्सो फॉलो मैगजीन्स ये आउट ऑफ इंटरेस्ट भी है बिकॉज मैनी पीपल डोंट फॉलो फिर भी उनका क्लियर हो जाता है ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है बट मुझे पर्सनली लगा कि कुछ मैगजीन्स करने से डेप्थ आती है आंसर्स में और कोई एक ऐसा एग्जाम्पल मिल जाता है कभी जो शायद एक डे टू डे न्यूज़पेपर और इन सब चीज़ों में नहीं होता है एंड वो आपको मतलब आपकी नॉलेज को और एनहांस कर देता है फॉर एग्जाम्पल एक बार मैंने एक मैगजीन में पढ़ा था कि जब कृष्णा और गोदावरी का रिवर कनेक्शन हुआ था तो देर वॉज अ स्पीशीज ऑफ फिश जो गोदावरी से कृष्णा में ट्रैवल करी और उस स्पीशीज ने कृष्णा की जो नेटिव फिशेज थी उसको हार्म तो किया ही एंड बिकॉज इट इज़ इनएडिबल तो वहाँ पर एकदम मतलब क्राइसिस हो गया था तो दिस वॉज एन एग्जाम्पल जो मैं मतलब रिवर के इंटरकनेक्टेडनेस वाले जो आंसर होते हैं उनमें मैं यूज़ कर सकती हूँ इन अ वे कि डीमेरिट्स क्या हो सकती हैं उसकी तो ऐसे करंट अफेयर्स को आप यूज़ कर सकते हैं मैगजीन्स में योजना इज़ अ गुड मैगजीन टू फॉलो क्योंकि वो आपको एक गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव देती है देश के बड़े इश्यूज पे बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी योजना कवर टू कवर और एकदम रिलीजियसली हर महीने की पढ़ रहे हैं योजना यूजुअली एक टॉपिक पे आती है जैसे अगर एक योजना एजुकेशन पे है तो वो पूरी बुक योजना एजुकेशन पे ही उसके आर्टिकल्स होंगे माई एडवाइस विल बी कि आप 3-4 आर्टिकल्स पढ़ लो स्कीम्स नोट कर लो उसमें गवर्नमेंट का क्या पॉलिसी अप्रोच है क्या चैलेंजेस हैं आपको पता चल जाएगा उसके बाद आप पूरी मैगजीन पढ़ने का मतलब रिपीटिशन ही होगा तो आप उसको यू कैन लेट इट गो उससे बेटर होगा कि आप तब और भी डिफरेंट चीज़ें पढ़ सकते हो डाउन टू अर्थ इज़ अ गुड मैगजीन दैट आई यूज टू फॉलो वंस इन अ वाइल तो ऐसे मतलब फॉलोइंग मैगजीन्स आर गुड फॉर एंटरटेनमेंट एज वेल एज कंटेंट एनहांसमेंट योजना कुरुक्षेत्र तो आर गवर्नमेंट सोर्सेज तो वो तो आप मतलब फॉलो कर ही सकते हैं सो एक और चीज़ जो एक इम्पॉर्टेंट होती है करंट अफेयर्स में वो ये है कि कौन से करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं मैगजीन पढ़ रहे हैं तो आपको किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए एक वन वे ऑफ डूइंग इट इज़ कि क्या कहते हैं आप ये कर सकते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं आप उनको थरोली पढ़ें प्रीलिम्स के भी पढ़ें मेंस के भी पढ़ें और फिर आपको जैसे लगेगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ रहा है तो उस चीज़ों को आप अपने मतलब करंट अफेयर्स में उनको आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे सकते हैं उसके अलावा न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम इंटरनेशनल रिलेशंस बिजनेस इकोनॉमी नेशन में कोई बहुत बड़ा इवेंट हुआ हो जैसे डीमोनेटाइजेशन है बैंक मर्जर्स हैं ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं स्पेस रिलेटेड साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड इशूज इंपॉर्टेंट होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं बट इनको आपको पढ़ना ज़रूर है तो करंट अफेयर्स का बेसिकली इट इज़ नॉट जस्ट कि वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं बट हर एसे में एथिक्स में जीएस के हर पेपर में अगर आपका कोई ऑप्शनल में भी कभी कभार रेलिवेंट होता है तो वहाँ पे भी एवरी वेयर इट कैन बी यूज एंड इट विल इंक्रीज योर मार्क्स सो प्लीज़ टेक करंट अफेयर्स सीरियसली एंड प्रिपेयर फॉर इट वेल थैंक यू
Subscribe to our channel and click on the bell icon to get latest updates on upcoming videos.